साध्वी, हमारी साध्वी जी ने बार बोला और यहाँ हाउस में माफी मांगी, ऐसे राहुल गांधी जी ने बार बोला कि मेक इन इंडिया की जगह ये रेप इन इंडिया हो गया है, ये बहुत ही कंडेमनेबल एक्टिविटी है, इसलिए वो हाउस के मेंबर है, इसलिए माफी मांगनी चाहिए उनको, हाउस में आकर के माफी मांगे। और हाउस में ऐसा पहले करा था है, हमारी साध्वी निर्मला ज्योति हाउस में नहीं बोली थी लेकिन पब्लिक में बोली थी, मीटिंग में है, ऐसे राहुल गांधी भी पब्लिक में बोले, इसलिए माफी मांगनी चाहिए उन्होंने। कैसे कह दिया, पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मौखड़ी का हिस्सा बनाता हो। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछ लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आज मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहती हूँ, देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया है महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, क्या आप उसको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे देश के परिवारों की ओर से अपील करती हूँ, इस देश का हर पुरुष हर भाई हर पिता बलात्कारी नहीं है, जो है बलात्कारी उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा देता है, यह हमारी कानूनी प्रतिबद्धता है, लेकिन हर महिला को कलंकित करने का, उसको बलात्कार करने का आह्वान करने का ये पाप, अध्यक्ष जी इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। और इधर आगे करना है, महिला इस देश की उनकी बकौती नहीं है कि वो आह्वान करेंगे कम रेप इन इंडिया, गिवन बाय पॉलिटिकल लीडर ही शुड बी पनिश्ड पॉलिटिकली यूजिंग विमेन एज अ टूल फॉर मॉकिंग हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट। रेप इन इंडिया का ये दुस्साहस स्टेटमेंट देने का उन्होंने जो किया है, जब भी एक महिला सांसद और हम सबकी ओर से आपसे अपील करती हूँ, देश आपकी ओर देख रहा है उसे दंडित कीजिए। हम लोग मोदी जी देश का बात कर रहे हैं, वो लोग रेप का बात कर रहे थे। अभी मोदी जी मेक इन इंडिया में सब लोग को वेलकम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन राहुल जी ने बोल रहे हैं रेप इन इंडिया, तो सबको ले आओ वेलकम कर रहे हैं, आओ हम लोग को रेप करो, ये हम लोग महिला है, पूरा भारतीय महिला का ये अपमान है, भारत माता की अपमान है। राहुल गांधी रेप का बात करें, मोदी जी मेक का बात करें, बिना सिक्योरिटी के बिना घर से निकलते भी है और रेप का